आज दिवाली है बट एक साइड चीज क्या बताएगा मेरे लिए कि ना मम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। पूजा कभी तक करेंगे मम्मी अपन? ये देवी के बाद ये देवी है हमारे घर में, प्रकट हुई है आज। गाड़ी की डेकोरेशन ना भाई, डैडी ने कैसे करके लिया ये देखो। बराबर है, बराबर है। ये लास्ट वाला है गाइस। हैप्पी दिवाली गाइस आप सभी को। आई होप आप सब लोग ना काफी ज्यादा खुश हो आज आपके फैमिली के साथ और अच्छे से सेलिब्रेट करना भाई, और अच्छे से सबको ना मदद वगैरह करो। सो अभी ना हमारी दिवाली कुछ अलग चालू है क्योंकि आज संडे, और ये बार तुम लोग देखोगे ना एक चीज ध्यान में रखोगे तो ये बार ना ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल वगैरह जो भी है ना सारे वीकेंड में आए भाई, सैटरडे संडे और संडे आज, और आज दिवाली है और आज डबल धमाका होने वाला है सब जगह और बिजनेस पे भी। तो आज वाट लगने वाली है तो फटाफट उधर जाके ना इडली का स्टॉक करना हमको। और आई होप आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा हो सकता है दिवाली के कारण। ये घर पे आ गया ना मैं, रामा भाई ने अपना काम चालू कर दिया था भाई इडली तलने का, और जैसे राम भाई ने मेरे को देखा, राम भाई ने जगह छोड़ दिया मेरे लिए इडली तलने के लिए। सो फिलहाल ना ये बॉक्स वगैरह इधर रख दो जिसमें अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, 2000 इडली बचे इसको फटाफट डाल लेते। मैंने जो इडली डाला था वो मैंने अंदर रख दिया एकदम अच्छे से, और मैंने वापस से सेकंड टाइम डाल दिया। जस्ट मम्मी का कॉल आया था, मम्मी को लेने चलते हैं क्योंकि मम्मी फूटी अभी नींद में से भाई। ओके है तबियत वगैरह ज्यादातर थोड़ी पर नहीं, कल डॉक्टर कट गई थी सर, क्या मिल लो डॉक्टर 2-3 दिन आराम करने बोला डॉक्टर ने, और आज संडे और आज जो मम्मी इतने इसमें भी ना तकलीफ में, आज मम्मी को काम करना पड़ेगा। बट थोड़े लोग को ना ऐसा क्वेश्चन मार के दिमाग में कि मम्मी का सच में इतना काम करती है क्या, कोई ना हमारे साथ सुबह 4:30 बजे उठ के आ जाओ एक बार मेरे घर पे, घर तो तुम लोग को पता ही है, बस्ती भी पता है और तुम लोग को पता चल जाएगा है कि नहीं मम्मी है, पता चल जाएगा कि नहीं, फिर जो है वो है, मतलब जो सच है वही बताता हूँ मैं, ऐसा मतलब हमारा स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं रहता कुछ भाई, सीधा है सीधा मुंह पे सीधा कैमरा पे। मम्मी का काम करेगी हम लोग हमारा, और थैंक यू सो मच, इडली आ गई है इसको निकाल लेता हूँ। चपाती और चाय खाने बोल रहे सुबह सुबह, खारी नहीं है, खारी नहीं खत्म हो गई इसकी चपाती। तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम इडली आ गया, अभी इसको निकालने बोले तो निकालेगा, बोलो ना एक ही चपाती दो मेरे को, ये उपमा और चटनी खाने का था यार, क्या चाय और मेरे को चपाती चिपका दे रहे सुबह सुबह। तो अभी ना सांभर वगैरह सब कुछ बन के एकदम रेडी हो चुका है, और ये तीनों डब्बे जाएंगे गाड़ी पे, और ये बच्चे 11:30 जाएंगे वैन में। उसको क्या, एक सेकंड बाबा, मेरे को नहीं पसंद आ रही ऐसा इस पे से जाने के लिए, बस का डालो अभी तुमको, तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा, तबियत ठीक ना अभी करना तो पड़ेगा ना, अभी क्या करने का, अपना काम ही देख के लोग भाग जाते और उसमें से लोगों को लगता है कि काम सच में इतना कर देगा। अभी आ जाओ हवेली पे पता चल जाएगा, और ये 2 आटा भी बचा बड़ा छोड़ने का मम्मी को ना सुबह से। अभी मैं जस्ट काम करके आया हूँ बिजनेस पे से, और टोटली ना अभी जस्ट 1 बज रहे गाइस, और मैं तुम लोगों को कुछ बता नहीं पाया क्योंकि मैं खुद ना नॉन स्टॉप वहाँ पे काम करता हूँ, और मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और इतना ज्यादा काम रहता ना संडे के दिन, क्योंकि मैं मेरी बहन को हमेशा जबरदस्ती कर नहीं सकता कि उसको वीडियो निकालने, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो पता चल जाता है जब इंटरेस्ट रहता ना आदमी को बिना बोले वो सब कुछ करता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो नहीं करता भाई, सीधी बात है। तो आई एम सो सॉरी कि तुम लोगों को कुछ बता नहीं पाया मैं, तो ट्राई करूंगा अगली बार ने मतलब थोड़ा टाइम दो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बिजनेस पे, सिर्फ संडे के दिन क्या होता है एक्स्ट्रा। मम्मी का तबियत ठीक नहीं रहेगी, मम्मी ने ना वापस से गैस वगैरह चालू करके एक्स्ट्रा वाड़ा छोड़ा है। मेरा काम हो चुका है, चलता अभी घर पे, तुम आ रहे क्या घर पे मम्मी, तो एवली लिस्ट हाँ पूरी कर लिस्ट, मम्मी पूरम पोली वगैरह कर रही है, का रटले की तू पहिंदा या टाइम हर गलीस तभी गलती हो घटली मीच। हाँ तू गाटलीस बराबर है ना, मेरे को ब्लॉग वगैरह भी एडिट करने का, बट थोड़ा मम्मी को हेल्प करना है एकदम थोड़ा, क्योंकि मैं आज पीसी पे ना मोबाइल पे ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ, तो 1 घंटे में ना काम एकदम ओके अपना, आज 2-3 घंटा जाएंगे ना है कि ना मम्मी। और किधर किधर डालने वाले हर बार, तो डाल दिया मैंने ले लो, और ये थोड़े हार है मम्मी ने उधर के हार डाल के आ गई वाले घर पे, जो भी भगवान के फूट है ना हमारे, जैसे हम लोगों ने दशहरा को डाला था, तो वैसे सब मतलब कर दिया के एकदम डन काम। बट अभी क्या है ना तुम लोग को बताता हूँ मैं, ये देखो ये हम लोग ने, मैंने यहाँ पे हार डाला भाई, अच्छा तो दिख रहा है ना, बस और क्या मांगता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, अच्छे शिद्दत से एकदम प्यार से पूजा करो, प्यार से टीका लगाओ छोटा छोटा, अरे उधर नहीं लगाते बाबा ऊपर लगाओ, अरे यार 2-3-4-5 बस ऊपर भी क्या म्हटलं सर, अरे देवा टीवी देवा सीधा बात है, मेरे दादा का बोलने का मतलब है
ये कंप्यूटर, ये स्पीकर, ये सब भगवान नहीं है इनकी पूजा करने के लिए। लक्ष्मी नहीं थे ये सगड़े जब वापर ले लो नहीं डेंजर है भाई। मम्मी ये आखिरी साल तो तुम्हारा पूजा करने का, अगले साल से बिल्कुल नहीं करने का। बाबा ने जो बोला ए, बाबा से कैसे नहीं कर? बाबा के आगे जाने का नहीं अभी चल। फाइनली मम्मी ने ना भाई इतना सब कुछ कर लिया पूजा का, और अभी जस्ट दिया वगैरह लगाएगी और पूजा कभी तक करेंगे मम्मी अपन। रुको ऐसा नहीं, मैं निकलता, रुको सर को ऐसा नहीं, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। पूजा कभी तक करेंगे अपन? करेंगे ना भाई, 7 बजे तक। हाँ, तो 7 बजे तक दादी को चाय दो बाबा, ये लोग बहुत होम मिनिस्टर है हमारे घर में, दो हमारे घर में। अरे क्या हो गया? अरे सर ये देवी के बाद ये देवी है हमारे घर में प्रकट हुई है, एकदम गजरा वजरा लाया क्या? दीपावली अच्छी बैठ, कुछ मत बोल। कुछ बोलता नहीं, मैं तुमको कुछ बोलेंगे तो खाना नहीं देंगे ना कल फिर। तो समझ अभी ना, पहला सब हैंडसम दिख रहे भाई तुम्हारा तुमच्या सह परिवार आपल्या बसन हार्दिक दिवाळीची शुभेच्छा। हैप्पी बर्थडे भाऊ। तो पहले ना गाड़ी की पूजा, फिर बाद में घर में आके ना लक्ष्मी की पूजा करेंगे हम लोग। चलो भाई, 3 गाड़ी की पूजा हो चुकी है और अभी ना अपने 80 का भाई जिसपे जय श्री राम लिखा करो मस्त दिसली से हमें। तो ऑलमोस्ट ना अपने ये तीनों गाड़ी की और कार की, चारों गाड़ी की ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है। क्या इतने से फटाके? अरे तुम लोग फटाके मंगते रहेंगे तो मेरे से पैसा मांगने का? अभी बहुत लेट होगा, अभी तू लेके आ गए ना, तो चल जाने दे अभी। तो अभी चलते अभी ना अंदर पूजा कर रहे लक्ष्मी की मेन, फिर उसके बाद हम लोग जाके बोले घर पे। चलो फटाफट पूजा। दुनिया ना इधर की उधर हो जाए पर आनंद भाई के दिए हुए ना एकदम जोर में भाई, कपड़े एकदम चमचमाते हैं, एकदम चमक रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। इधर भाई ना चांदी बिंदी आंधा पैसा है एकदम, छुपा मत आंधा पैसा है एकदम। ये मेरी बहन ने फटाका लगाया भाई, अभी देखता अभी कितना आवाज है। अरे अरे बाबा ये फुसके फटाके मत लेके आते जा, पैसे लेते जा बोल रहा मैं तेरे को मेरे पास से। हाँ फोकट इस लेके लियो, बराबर से लगा। अरे उधर आजू बाजू में लगने मत दे, सीधा पकड़ा अभी। गेला गाड़ी की डेकोरेशन ना भाई, डैडी ने कैसे करके लिया ये देखो। और ये एक्चुअली में ना इतना मतलब इतना अच्छा डेकोरेट हो गया ना एकदम अंदर से और बाहर से, मस्त अच्छा कर लेना एकदम एकदम मजा आएगा, दिल खुश हो गया एकदम गाड़ी को देखे। ये देखो एकदम सजा विजा के, क्योंकि ये मेन चीज़ है ना, इसका मेन पूजा रहता। और मम्मी पूजा कर रही है फिलहाल, अपन नारियल फोड़ेगा फिर इसके बाद फटाके लगेगा एकदम बड़ा वाला। अच्छे मन से करो, दूर से देखो भाई कुछ ऐसा दिख रहा है अपना गाड़ी एकदम मस्त। फटाके फोड़ने के लिए रुक रहा हूँ मैं, बस थोड़ा थोड़ा खिलाओ, थोड़ा थोड़ा और कितना ज्यादा खिलाओ बस। थैंक यू सो मच, हैप्पी दीपावली। और भाई दिवाली हाँ, फटाके विटाके एकदम दिखा, इधर 15-20 फटाके ककरी विकरी लगा ना, इधर लगा, इधर तू भी लगाएगा भाई के साथ, भाई के साथ लगाएंगे तू भी फटाके। क्या बात है, जोर में आरती वगैरह हो चुकी है, अभी अपना फटाके बजाने का टाइम आ गया भाई। ए फटाका किधर है अपना? लगाओ लगाओ बड़ा लड़ी, इसको बाद में छोड़ेंगे टेरिस पे जाके, आए बड़ा वाला फटाके लगाएंगे अपन। चलो ए बबी आजा, बराबर है बराबर है। अरे बाप रे चटका बोलता रे, माँ कसम धुआ 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 कचरा। ये पॉल्यूशन नहीं है बेटा, और क्या इसके अंदर? अभी ये वाला पैराशूट ना तुम्हारा भाई छोड़ेगा, इसको फूकने दे एकदम अच्छे से। क्या एकदम ऊपर तुला छोड़े थे? कैमरा है बेटा इधर आ साइड में, ऊपर उठा ऊपर उठा, अभी मत छोड़। एकदम सीधा। तो भैया हमारा पैराशूट ना जा चुका है ऑलरेडी, और ये वीडियो में ना एकदम बहुत दूर दिख रहा बट एक्चुअली में थोड़ा सामने ही है। अरे अरे ये क्या हो रहा है उसको?
चलो भाई बाय बाय। जितना भी पूजा वगैरह था सब कुछ हो चुका है, अभी है ना हम लोग सब लोग जा रहे वाले घर पे। मम्मी रूम वगैरह सब कुछ बंद कर देगी और पूजा वगैरह ना एकदम अच्छे से होगा। ए ए मिर्ची बॉम्ब लग गया, लग गया, ए लग गया, लग गया, लग गया। भू क्या ए बबी, बबी गंदे काम बंद कर, किधर भी पी के पड़ रही थी। चलो भाई, और आज जो संडे का काम और दिवाली दोनों साथ में है ना भाई, एकदम अलग मजा। और दादी ने ना अच्छा दरवाजा वगैरह बंद रखा क्योंकि लूसी ना काफी ज्यादा डरती है बेचारी। तो कोई ना, सो लक्ष्मी पूजन वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब सभी को वापस से वन सेकंड हैप्पी दीपावली गाइस। खुशी रहना और खुशी बांटना भाई, और क्या कर रहे हो तुम लोग, और तुम लोग अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हो। पीस आउट, मिलता हूं कल एक नए ब्लॉग के साथ, लेट्स गो।